सबसे पहले ईद की हार्दिक शुभकामनाएं सबको तो ईद है तो ऑफर तो होना चाहिए तो आज मैं फ्री कोर्स भी लाया हूं और काफी चीजें सीखने को भी लाया हूं मतलब एक प्लानिंग इंजीनियर या बिल्डिंग इंजीनियर का क्या रोल होता है क्या उसको आना चाहिए या काफी चीजें मतलब इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए अगर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हो या आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करें न्यूज के साथ बात करेंगे नमा मेट्रो आप देख रहे हो लैक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू स्पीड अप वर्क मतलब कंपनीज क्या करती हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मतलब प्लान दे देती हैं लेकिन वो उतना पूरा कर नहीं पाती किस कारण उनके पास तो इंजीनियर नहीं होते हैं जिनको प्लानिंग का नॉलेज हो मैनेजमेंट का नॉलेज हो और वो स्पीड अप नहीं कर पाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कॉस्ट ओवर रन ऑफ फोर ट्रिलियन मतलब सिंपल भाषा में आपको बताऊँ मतलब कंपनीज में जो इंजीनियर होंगे जो आपके पास स्किल होना चाहिए सिर्फ ये नहीं कि एग्जीक्यूशन स्किल हो आपके पास प्लानिंग का बिल्डिंग का मैनेजमेंट का पूरा आइडिया होना चाहिए ये नहीं है कि आप उसी फील्ड में जा रहे हो तो उसी फील्ड का नॉलेज बाकी भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अगर हम बात करें जो इंडस्ट्री में इस समय जॉब सबसे ज्यादा है बिल्डिंग इंजीनियर की है प्लानिंग इंजीनियर कॉस्टिंग इंजीनियर प्रक्यूटमेंट इंजीनियर क्यू एस बी एस साइट इंजीनियर क्वालिटी इंजीनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या इंटीरियर डिजाइन और साइट मैनेजमेंट की टॉप में जो है बिल्डिंग प्लानिंग कॉस्टिंग इनकी ज्यादा डिमांड रहती है और यहाँ आप सब सामने देख रहे हो सी एम टी आई एक्सपर्ट ट्रेन द इंजीनियर ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर वेरियस लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इवन एल एंड टी के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी प्लानिंग और मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कौन सी एम टी आई अशोक जी हैं या बाकी जो इनके एक्सपर्ट्स हैं काफी काफ़ी को 25-30 या 35 साल का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं बच्चों की इवन एम्प्लॉयज़ की सीखने में तो आपके पास भी मौका है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट से सीखने का जो काफ़ी कंपनीज uh, को एल एन टी हो गया एस सी सी दिल्ली बिल्डिकॉन लोधा प्रिस्टीज काफ़ी कंपनीज को हेल्प कर रही है उनके इंप्लॉयिज़ को कि मैनेजमेंट uh, सीख के आगे बढ़ सके फाइव प्रोसेस ग्रुप होता है इनका जो होता है इनिशिएटिंग लेना प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग और क्लोजिंग ये रहता है तो ये आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं आपने बुक्स में पढ़ा होगा लेकिन यहाँ आपको प्रैक्टिकली पूरे तरीके से समझाया जाएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या मतलब तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं टाइम कॉस्ट और स्कोप तो ये कैसे आपको मतलब एक फंक्शनिंग में लाना है वो आपको सी एम टी आई हेल्प करेगा इसमें सीखने में फिर जो मैं आपसे बात कर रहा था कि प्लानिंग इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए उसको उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन और स्कोप ऑफ वर्क पता होना चाहिए सिक्वेंस पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का क्योंकि सिक्वेंस पता होगा तो वो प्रॉपर से प्लान कर पाएगा फिर टाइम प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग कॉस्ट प्लानिंग ये सब चीज़ें मशीनरी की बात होगी मैन की मटेरियल की ये सब चीज़ें उसको आना चाहिए बजटिंग उसको आनी चाहिए तो ये आप सीख सकते हो कॉस्टिंग इंजीनियर को बेसिक तो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग उसको पढ़ना आनी चाहिए फिर उस पर डिटेल मेजरमेंट ऑटोकैट की हेल्प से फिर हम बात करें आई एस कोड की हेल्प से मेथड ऑफ मेजरमेंट उसको पता होना चाहिए बार बारबैंडिंग स्कैड्यूल कोफिशेंट बिल ऑफ क्वान्टिटीज रेट एनालिसिस बी सब चीजें उसको आनी चाहिए क्वालिटी इंजीनियर को फिर अगर हम बात पर उसको स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए चेकिस डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल क्वांटिटी क्वानिटी प्रोसीजर लेबोरेटरी टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी क्वालिटी टेस्ट चेक्स फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग प्लान तो फ्लो वर्क ये सब चीज़ें अगर किसी इंजीनियर को आती हैं तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है तो अगर एग्जीक्यूशन इंजीनियर जो होता है डिफरेंट टाइप आपके स्ट्रक्चर के ड्राइंग स्टडी फिर एग्जीक्यूशन प्लान सीक्वेंस डिटेल कंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें अगर आती होंगी वो अच्छा परफॉर्म करेगा ये बात रही उसको स्किल क्या होनी चाहिए लेकिन आज अगर हम बात करें ट्रेंडिंग जॉब्स जो, जो हैं कंपनीज़ में वो प्लानिंग इंजीनियर की रहती है तो ओरिजिनल प्राइस जो है प्लानिंग इंजीनियर कोर्स का वो है थ्री थाउजेंड लेकिन आज ईद है तो आपको इसे थाउजेंड में मिलेगा पहले दस लर्नर्स को पहले दस लर्नर जो भी अप्लाई करेंगे कोर्स कोर्स के लिए कोड यूज करना है सीएमटी उनको सिर्फ में एक मिलेगा साथ में आपको डिजिटल कंस्ट्रक्शन और बिलिंग इंजीनियर कोर्स फ्री में मिलने वाला है जो पहले दस बच्चे होंगे अगर बिलिंग इंजीनियर कोर्स खरीदने जाओगे थ्री थाउजेंड में मिलेगा डिजिटल खरीदने जाओगे थ्री थाउजेंड में मिलेगा प्लानिंग खरीदने जाओगे थ्री थाउजेंड में मिलेगा टोटल हो गया नौ हजार रुपए के कोर्स होते हैं लेकिन आपको थाउजेंड देना है और बाकी आपको कोर्स सीखने को मिलेगा जो सीएमटी इंस्टीट्यूट है वो एल एन टी के एक्स जो एल एन टी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनके द्वारा रन किया जा रहा है और एक आपके पास मौका होता है कि आप काफी बच्चे बोलते हैं सर फील्ड ट्रेनिंग करवाइए तो फील्ड ट्रेनिंग आपकी कहां होगी ऑनलाइन मोड भी रहेगा और ऑफलाइन मोड भी रहेगा आप बेंगलोर जाके एक अच्छी लेवल, लेवल सिटी है वहां जाके सीख सकते हो सीएससीएम कोर्स रहता है सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पंद्रह जुलाई से स्टार्ट हो रहा है बारह हफ्ते का कोर्स रहेगा चार घंटे डेली पढ़ाया जाएगा जिसमें काफी चीजें सीखने को मिलेंगे पंद्रह सौ प्लस प्लेसमेंट है दस हजार प्लस बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं काफी अच्छा मौका है हर मंथ के एक और पंद्रह तारीख को स्टार्ट होता है उसके बाद आपको कोई भी कोर्स करते हो सर्टिफिकेट मिलता है जो सर्टिफिकेट आपको हेल्प करता है किसी जॉब को पाने में जो अपनी फॉर्म खोलने में ये सामने सैंपल भी आप सर्टिफिकेट का देख रहे हो और काफ़ी लोगों के मन में दिमाग आ रहा होगा कि सी एम हम क्यों ज्वाइन करें क्योंकि नाम नंबर वन शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं प्लेसमेंट अच्छी है रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं इनका जो यूट्यूब चैनल पे आप बच्चों के रिव्यूज़ देख सकते हो वो सामने ट्रांसपेरेंसी है पूरी एक्सिलेंट कोर्सेज इनके रहते हैं जो टीचर्स हैं थर्टी प्लस एवरेज सबका एक्सपीरियंस है और इनकी जो ऐप है अगर हम बात करें फोर की रेटिंग है फिफ्टी प्लस बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन न्यू डेली जॉब अपडेट काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो आपको हेल्प करती हैं फ्री में और ये ऐप फ्री में रहने वाली है तो देर क्यों कर रहे हो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो आज ऑफर है आप बच्चों के लिए दस कूपन कोड है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं कोई वेट नहीं करना है जल्दी से जाके अप्लाई कर लेना है थैंक यू गाइस